सैमसन भाई अरे सैमसन भाई नहीं 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 रुक साले तू चाहे रुक जा सैमसन भाई सब टेस्ट खेलेंगे टेस्ट। कल जिस हिसाब से पड़िकल खेले ये ट्रीटमेंट तो बनता है। पड़िकल भैया आपके शॉट्स युवराज सिंह की तरह है लेकिन इतना भी युवराज सिंह आपको नहीं बनना था। वैसे 21 रन 26 बॉल पे ये क्यों किया आपने? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। खैर पहले बात करते हैं पंजाब किंग्स की क्योंकि पहले बैटिंग की थी पंजाब किंग्स ने। हथियार छूटे हैं चलाना नहीं भूले। तो भैया धवन ट्रॉलर्स के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब वो ट्रॉल नहीं कर पाएंगे शिखर धवन को। एक साल से बंदे ने बल्ला नहीं छुआ और ऐसा मारा है आरआर के बॉलरों को जिसमें ट्रेंट बोल्ट चहल अश्विन और होल्डर जैसे बड़े बॉलर्स शामिल हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात सबसे अच्छा साथ निभाया प्रभ सिमरन सिंह ने जिन्होंने 34 बॉलों में 60 रन जड़ दिया 176 के स्ट्राइक रेट से। क्या ही खेला है बंदा। ऐसी पार्टनरशिप हो तो सीधी सी बात है बड़ा स्कोर बनेगा भाई। तो यह आरआर के सामने स्कोर था 197 रन का। ओपनिंग के लिए उतरे आर अश्विन और यशस्वी जायसवाल। मीनवाइल बटलर क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? सच में पता नहीं कैसा मास्टरमाइंड खेला। 26 रन के अंदर दो विकेट गिर गए। ये तो अच्छा हुआ सैमसन और बटलर ने गाड़ी को थोड़ा सा ट्रैक पे किया लेकिन फिर 57 रन पे बटलर का विकेट गिर गया। लेकिन एक तरफ से संजू भैया टिके रहे लेकिन फिर आया युवराज सिंह। संजू भैया एक तरफ से हार्ड हिटिंग कर रहे थे और युवराज सिंह पड़िकल क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। क्यों इतना नहीं ये कमेंटेटर्स लोग कुछ इंटेंट बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि पड़कल के दिमाग में कोई इंटेंट भी था उस समय। टेस्ट खेल रहा था मतलब आईपीएल में एक बॉलर आके लंबा छक्का मारता है लेकिन पड़कल भैया 26 बॉलों में 21 रन बना रहे। मतलब मैं क्या ही बोलूं छोड़ो। लेकिन फिर आए इस बार आए हटमार भैया। क्या ही मारा है बंदे ने 18 बॉलों में 36 रन जड़ दिए। ऐसे खिलाता है यार पड़कल भैया प्लीज। फिर एक होता है एक यंग लौंडा जिसका नाम था ध्रुव जुरेल। बंदे ने आगे 213 के स्ट्राइक रेट से 15 बॉलों में 32 रन मार दिए। क्या ऐसे नहीं खेल सकते थे? चलिए खैर अपने को क्या है हम तो भैया हैं चेन्नई सुपर किंग्स के फैन। मैच देखना हमारा काम था और कल का मैच सच में इंटरेस्टिंग था। चलो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना कमेंट कर देना जो भी होता है। आगे मिलेंगे अगली वीडियोज में ठीक है। थैंक यू बाय बाय जय हिंद।